उसने किसी मुजरिम की तरह कैद करके रखा हुआ है। तुम लोगों के पास ना आजाद घूमने की अनुमति है और ना ही इस हवेली से बाहर निकलने की आजादी। हम तुम्हें आजादी भी देंगे और शैतान की गुलामी से मुक्त भी करवाएंगे। हमें सिर्फ आगे बढ़ने दो। सामने खड़े हुए भूतों ने बूढ़े बाबा की बात का ना में जवाब दिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, देखो आगे तो हम जाएंगे ही, यदि तुम लोग हमें आसानी से जाने दोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, नहीं तो हमें तुम्हें कष्ट देकर आगे पहुंचना होगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर भूतों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बूढ़े बाबा पर आक्रमण कर दिया। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही अपनी झोली में से काले तिल के दाने निकाले और उन भूतों के ऊपर फेंके। वो काले तिल के दाने भूतों को स्पर्श करते ही बहुत दर्द से चिल्ला उठे और उनके शरीर जलने लगे। ऐसा होते ही उन चारों के सामने जितने भी भूतों ने उनका रास्ता रोक कर रखा था सभी तितर बितर हो गए। तो फिर बूढ़े बाबा ने कहा, इनके शरीर जलने लगे हैं, इसलिए ये लोग हमारे सामने से हट चुके हैं। हमें समय व्यर्थ नहीं करना है, आगे बढ़ो। बूढ़े बाबा द्वारा ऐसा कहते ही चारों आगे बढ़ने लगे। तभी देव ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा अभी अभी आपने कहा कि इनके शरीर जलने लगे, लेकिन भूतों की तो कोई शरीर ही नहीं होते, वे तो सिर्फ भटकती हुई आत्मा होती है, फिर उनके शरीर किस तरह जल रहे हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, यह लोगों का भ्रम है कि भूतों के शरीर नहीं होते। बिना शरीर के आत्मा अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती। भूतों के शरीर हमारे शरीर से भिन्न होते हैं। उनका शरीर अलग तत्व से बना होता है जो हम मनुष्य अपनी साधारण दृष्टि से नहीं देख पाते, लेकिन उनके शरीर अवश्य होते हैं। इतना कहते ही वे लोग उस चिमनी तक पहुंच चुके थे। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, हमें इस चिमनी के अंदर जाना होगा और ऊपर की तरफ एकदम पतली सी चिमनी के अंदर चढ़ना होगा। अंदर बेहद अंधेरा है और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमें इसी शरीर में ऊपर की तरफ जाना होगा। हम सूक्ष्म रूप नहीं बना सकते। सबसे पहले सिद्धार्थ तुम चलोगे, उसके बाद गौरी और उसके पीछे देव, और सबसे अंत में मैं आऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भूत हमारा पीछा करते हुए अंदर तक आ जाए। ऐसा कहते ही बिना समय गवाए सिद्धार्थ चिमनी के अंदर जाकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे गौरी अंदर गई। गौरी के पीछे देव अंदर गया और सबसे आखिरी में बूढ़े बाबा चिमनी के अंदर जाकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। उस तरफ किलविश से सौम्य परी और उसकी परी सेना घमासान युद्ध कर रही थी। किलविश अपने सभी हाथों से उनके ऊपर अलग अलग वस्तु से प्रहार कर रहा था। कभी वो आग के गोले बरसाता तो कभी पत्थर तो कभी बड़े बड़े लकड़े फेंकता। सौम्य परी और उसकी परी सेना बड़ी बहादुरी से उसका सामना कर रहे थे और उसके हर एक प्रहार का योग्य प्रत्युत्तर दे रहे थे। किलविश के प्रहार से कुछ परी सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन गांव को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने से उन्होंने अब तक बचा रखा था। राम प्यारी ने उसी वक्त मोतीबाई से पूछा, मोतीबाई आपने तो बाईसा के पास रहते हुए कई काली विद्या की किताबें पढ़ी होंगी ना, क्या आपने प्रेत मंजरी नाम की किताब नहीं पढ़ी हुई है? मोतीबाई ये सुनकर गहरी सोच में चली गई। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि इस नाम की कोई किताब उन्होंने कभी देखी भी थी या नहीं। सोचते हुए मोतीबाई ने रामप्यारी से पूछा, इस किताब रीतन ने इस वक्त की जरूरत पड़ गई? रामप्यारी ने कहा, मोतीबाई उस किताब के अंदर इस किलविश का वर्णन किया हुआ है और उसमें इसे आह्वान देकर प्रकट करने का और इसे फिर से पाताल लोक भेजने का उपाय भी लिखा हुआ है। मैंने कई साल पहले ये किताब पढ़ी थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो यदि आपने ये किताब पढ़ी होगी तो हो सकता है कि आपको याद हो, उसमें से हमें इसे फिर से पाताल लोक भेजने का कोई उपाय मिल जाएगा। मोतीबाई ने सोचते हुए कहा, बाईसारे पास कई सारे किताबें थी, लेकिन मन ने कभी उन किताबों ने छुआ तक नहीं। मारे को जितने भी मायावी विद्या आवे से वो मने बाईसा ने देख देख कर सीखी सू, अने बाईसारे मरने के बाद उस जगह रो विध्वंस हो गए उसे। राम प्यारी ने अपना पैर जमीन पर मारते हुए खेद व्यक्त किया। राम प्यारी ने कहा, मुझे अपने आप पर ही गुस्सा है। मैंने किलविश को फिर से पाताल लोक में भेजने के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। राम प्यारी ने इतना कहा ही था कि अचानक से वहां पर एक विस्फोट जैसा हुआ और सौम्य परी और उसकी सेना एकदम से उस विस्फोट के प्रभाव से दूर उड़कर नीचे गिर गई। राम प्यारी और मोतीबाई तुरंत ही सौम्य परी को संभालने के लिए दौड़ते हुए वहां पर पहुंची।
उन्होंने सौम्य परी को उठाकर अपनी गोद में लिया तो उन्हें पता चला कि सौम्य परी उस विस्फोट के कारण जख्मी होकर बेहोश हो गई थी। उस विस्फोट के कारण सौम्य परी की सेना में भी काफी विध्वंस मच गया था और जितनी भी परी सेना बची थी वो फिर से किल्विश का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। किल्विश अब अपनी पूरी शक्ति लगाकर बचे हुए सैनिकों से युद्ध कर रहा था। वो कभी एक के बाद एक तो कभी एक साथ कई परियों को मौत के घाट उतारते जा रहा था। मोतीबाई और रामप्यारी ने सौम्य परी को होश में लाने की कोशिश की लेकिन सौम्य परी बहुत ही जख्मी हो चुकी थी और उसके पेट में से खून बहने लगा था। तभी रामप्यारी ने आसपास की स्थिति देखी और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने अब मामला अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। रामप्यारी ने मोतीबाई से कहा, मोतीबाई आप सौम्य परी की देखभाल कीजिए, मैं इस किल्विश को संभालने की कोशिश करती हूं। ये कहकर रामप्यारी तुरंत ही किल्विश के सामने गई और उसने किल्विश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, प्रेतराज किल्विश यहां पर मेरी ओर देखो। तभी किल्विश की नजर रामप्यारी पर पड़ी। रामप्यारी ने कहा, मुझे पहचाना? किल्विश रामप्यारी की तरफ हैरानी से देखने लगा और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रामप्यारी ने कहा, एक समय था जब मैं आपकी अनन्य भक्त हुआ करती थी। मैंने काली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कई विधि विधान किए थे, कई बलियां चढ़ाई थी। आपको उस बलि में से अपना हिस्सा अवश्य मिला होगा। अब पहचाना मुझे आपने? किल्विश परी सेना से युद्ध करते करते एकदम रुक गया और रामप्यारी की तरफ अपने तीनों सरों की सभी छह आंखों से देखने लगा। उसी वक्त रामप्यारी ने परी सेना को इशारा करके युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए कहा। युद्ध के थोड़ी देर के लिए रुकते ही परी सेना अपनी महारानी सौम्य परी को देखने के लिए उसके पास चली गई। किल्विश ने रामप्यारी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, क्यों आई हो मेरे सामने? रामप्यारी ने कहा, कैसे देवता हो? छोड़ो तुम तो देवता हो ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने तुम्हारा निर्माण किया था तब तुम्हें प्रेतों का देवता कहकर पुकारा था, लेकिन प्रेत आखिर प्रेत ही होते हैं, जाकर भी देवता कभी नहीं बन सकते। तुमने इतनी बार मेरे चढ़ावे का हिस्सा भोगा लेकिन मुझे अभी भी पहचान नहीं रहे हो। तुमसे तो कुत्ते भले होते हैं, कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी दे देना तो वो कुत्ता उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। रामप्यारी के मुंह से कड़वे वचन सुनकर किल्विश को गुस्सा आ गया और उसने रामप्यारी को कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह बात करे, मैं तुझे इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। ये कहकर उसने अपने हाथ में खंजर प्रकट किया और रामप्यारी के ऊपर फेंकने ही वाला था कि रामप्यारी ने कहा, आखिर तूने मैंने जो कहा था उसकी सिद्धि कर ही दिया। अपनी वक्त रह चुकी स्त्री को मारने के लिए तत्पर हो गया। दया आती है तुम पर कि तुम ब्रह्मा जी के बेटे होकर भी शैतान की गुलामी करते हो? यह सुनकर प्रेतराज किल्विश को और भी गुस्सा आ गया और उसने जोरों से चित्कार लगाई और अपने आठों पैर फैलाने लगा। उसके पैर देखते ही देखते किसी ऑक्टोपस के पैरों के जैसे हो गए और अपने चारों तरफ फैलाते हुए उसने अपने हाथों में फिर से आग के गोले प्रकट किए और रामप्यारी के ऊपर फेंकने लगा। रामप्यारी ने उसी वक्त अपनी काली विद्या का प्रयोग करके उन आग के गोलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और फिर से उसी के ऊपर फेंका। वो आग के गोले जाकर किल्विश को लगने लगे। इस कारण किल्विश को और भी गुस्सा आ गया और उसने सभी 12 हाथ में अलग अलग शस्त्र प्रकट कर लिया और रामप्यारी पर प्रहार किया। रामप्यारी ने उसकी आवाज को फिर से हवा में रोक दिया और उन शस्त्रों को हवा में ही मोड़ दिया और उन मुड़े हुए शस्त्र को यहां वहां पर फेंक दिया। रामप्यारी की इतनी शक्ति देखकर किल्विश हैरान रह गया और उसने रामप्यारी से कहा, तो चींटी के भी पर निकल आए हैं। इस चींटी के पैरों को मैं खुद काट दूं उससे पहले तुम अपने आप को उसे काट दो, नहीं तो अगर मैं काटने पर उतर आया तो तुम्हें बहुत अधिक दर्द होगा और तुम्हारे अनुसार तुम मेरी भक्त रह चुकी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी भक्त को इतना दर्द सहना पड़े। रामप्यारी ने कहा, चींटी को जब पर निकल आते हैं ना तो वो हाथी के कान तक भी पहुंच सकती है और एक बार वो हाथी के कान में पहुंच गई तो एक हाथी को पागल करने की क्षमता भी एक चींटी अपने अंदर रखती है, इसलिए सतर्क हो जाओ, चले जाओ यहां से और बेकार में इन लोगों को तकलीफ मत पहुंचाओ। किल्विश ने कहा, तो देखते हैं ये चींटी इस हाथी को पागल बनाने में कामयाब होती है या इस हाथी के पैरों तले कुछ ले जाती है।
ये कहकर उसने रामप्यारी के ऊपर फिर से वार किया और रामप्यारी ने अपनी काली विद्या का प्रयोग करके उसका सामना करना शुरू कर दिया। उस तरफ भूरा बैलगाड़ी में बैठकर सांप से भरी हुई बोरियों को लेकर विनीता देवी के मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा था। वह कुछ दूर तक आगे गया और उसे जब विनीता देवी के मंदिर का शिखर दिखने लगा तब उसने एकाएक अपनी बैलगाड़ी रोक दी। अपनी बैलगाड़ी को वहीं पर रोककर वो बैलगाड़ी से नीचे उतर गया और यहां वहां पर देखने लगा। अदृश्य रूप में शैतान भूरा को यह करते हुए देखकर संशय से उसके सामने दिखने लगा। तभी भूरा ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर नजर रखे हो शैतान, लेकिन यह बोरी मैं मंदिर के अंदर लेकर जाऊं, उससे पहले मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए शक्ति का प्रयोग करके देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में तुमने मुझे वो शक्ति प्रदान की है अथवा मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया है। तभी शैतान उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, अच्छा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? भूरा ने कहा, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास कर सकता है भला? क्या तुम भी अपने आप पर विश्वास कर सकते हो? शैतान भूरा की बात सुनकर हंसने लगा और कहा, बात तो तुमने पते की, लेकिन तुम यहां पर अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे किस तरह? यहां तो तुम्हारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई भी नहीं है। भूरा ने कहा, क्यों नहीं है? इन 3 बोरियों में कई सारे सांप तुमने भर के रखे हैं, इनमें से कुछ सांपों को मेरे सामने रख दो, मैं इन्हें ही जलाकर तसल्ली कर लूंगा कि वाकई में तुम्हारे द्वारा दी गई शक्ति काम कर भी रही है कि नहीं। वैसे भी भला 2-4 सांपों के मरने से तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। शैतान भूरा की बात सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, यदि ऐसा है तो मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग इन सांपों पर क्यों? एक काम कर, इन बोरियों को बैलगाड़ी से उठाकर मंदिर के अंदर ले जाकर रखने के लिए गांव के एक आदमी को आवाज देकर यहां तक बुला, फिर उसके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाल के देख। यदि वो जल गया तो ठीक, और नहीं जला तो तुम्हें मेरा ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, ठीक? भूरा अब धर्म संकट में फंस गया था। गया था होशियारी मारने, लेकिन उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। वो भूल गया था कि यदि वो चालाक था तो शैतान भी महाकपटी था। भूरा कुछ सोचने लगा, तभी शैतान ने उसे कहा, सोच क्या रहा है? आवाज देकर मंदिर में से किसी को बाहर बुला और प्रयोग कर उसके ऊपर। तभी भूरा के मन में एक ख्याल आया और उसने शैतान से कहा, आप जो कह रहे हो वो संभव नहीं है। यदि मैंने आवाज देकर किसी को बुलाया तो मंदिर के अंदर से सब हमें ही देखने लगेंगे, और उनके सामने अगर मैंने उस व्यक्ति को जला दिया तो सभी सतर्क हो जाएंगे और मुझे अंदर नहीं आने देंगे। अभी किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए किसी का मेरी तरफ ध्यान जाए उससे पहले मुझे किसी को जलाकर देखना होगा। शैतान ने मन में कहा, ये भूरा मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चलाक निकला, लेकिन इसकी सोच जहां पर खत्म होती है वहां पर मेरी सोच शुरू होती है। ये सोचकर शैतान ने कहा, ठीक है, फिर तुम यदि यह प्रयोग किसी और पर अभी करना चाहते हो तो ठीक है, इस पर कर दो। ये कहकर शैतान ने भूरा के सामने उसकी मां को लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल शैतान ने भूरा के सामने एक भ्रम प्रकट किया था, लेकिन भूरा अपनी मां को वहां पर देखकर एकदम हैरान हो गया था। भूरा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मां तो मंदिर के अंदर थी, उसे शैतान बाहर लाने में किस तरह सक्षम हो गया। शैतान ने भूरा को कहा, तो ये लो, इस पर प्रयोग करके देख लो, अब मना मत करना। अपनी मां को देखकर भूरा एकदम विचलित हो गया और उसके आंख से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने शैतान से कहा, धूर्त कपटी नीच, तूने जानबूझकर मेरी मां को मेरे सामने खड़ा किया। तू किसी और को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन तुझे सिर्फ मेरी मां ही मिली, ऐसा कैसे कर सकता है तू? शैतान ने हंसते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, अगर अभी नहीं मरी तेरी मां तो अंदर इन सांपों द्वारा डसे जाने पर तो जरूर ही मर जाएगी, फिर अभी मरे या बाद में क्या फर्क पड़ता है? और अगर यदि तुझे लगता है कि सांपों से काटे जाने पर तेरी मां को पीड़ा कम होगी तो ये तेरा भ्रम है, उल्टा जलने से शीघ्र
और कम पीड़ा से मृत्यु होगी। तू अपनी माँ को वक्र दृष्टि से देखा तो तेरी आंखों से ज्वाला निकलकर तेरी माँ पर पड़ेगी और कुछ ही क्षणों में जलकर वो भस्म हो जाएगी। लेकिन यदि सांपों ने उसे काटा तो सांप का जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलता जाएगा। एक के बाद एक उसके अंग काम करना बंद कर देंगे। पहले तेरी माँ तड़पेगी, उसका दम घुटने लगेगा, वो चिल्लाना चाहेगी लेकिन चिल्ला नहीं पाएगी। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगेगा कि सैकड़ों सुई एक साथ उसे चुभाई जा रही है और इसी तरह बिचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। इतना तड़पा कर अपनी माँ को मारने से अच्छा है एक ही क्षण में जलाकर भस्म कर दो, अनुकंपा करो अपनी माँ पर। शैतान के मुंह से ये शब्द सुनकर भूरा को इतना गुस्सा आया कि उसे ये लगा कि उसी क्षण शैतान को ही जलाकर भस्म कर दिया जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि शैतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की तरफ देखते ही उसके आंखों में से आंसू झरने लगे और अपनी माँ को देखकर उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि उसकी माँ के हाथों पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी माँ के दाहिने हाथ में सभी उंगलियां मौजूद थी, जबकि उसकी माँ के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कई सालों पहले खेत में काम करते वक्त कट गई थी। और ये बात शैतान को शायद पता नहीं था और उसी वक्त उसे पता चल गया कि यह शैतान का माया जाल था और कुछ नहीं। उसे जैसे ही ये समझ में आया उसने कहा, ठीक है, मैं अपने माँ पर ही ये प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी माँ की तरफ सीधे सीधे देखकर उसे नहीं जला पाऊंगा, मेरा दिल नहीं मानेगा। इसलिए क्या तुम मुझे एक बड़ा सा आईना प्रकट करके दे सकते हो जिसके द्वारा मैं आईने में देखकर अपनी माँ को जलाकर उससे एक अच्छी मौत दे सकूं? शैतान यह सुनकर खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, फिर ये लो। ये कहते ही उसने अपने सामने एक बड़ा सा आईना प्रकट कर दिया। भूरा जानता था कि यदि वो जिंदा रहा तो उसे शैतान की बात माननी पड़ेगी और उसके कारण गांव के सभी लोग संकट में पड़ सकते थे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो शैतान उसको बड़ी भयानक और दर्दनाक मृत्यु देने वाला था। इसलिए भूरा ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने प्राणों का बलिदान देकर गांव के लोगों की रक्षा करेगा। भूरा ने आईने की तरफ देखा और अपनी दृष्टि अपने माँ के प्रतिबिंब की तरफ देखने के बदले उसने सबसे पहले उस बैलगाड़ी की तरफ दृष्टि की जिसके अंदर सांपों से भरी हुई बोरियां रखी थी। जैसे ही उसकी वक्र दृष्टि आईने के माध्यम से उस बैलगाड़ी पर पड़ी तो उसकी आंखों से ज्वालाएं निकली और आईने से टकराकर बैलगाड़ी पर पड़ी, और देखते ही देखते वो बैलगाड़ी बैलों समेत पूरी तरह से जलने लगी और उसके अंदर पड़ी हुई सांपों से भरी हुई बोरियां भी जलने लगी थी। ये देखकर शैतान एकदम हैरान रह गया और उसने भूरा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन तब तक भूरा ने उस आईने में वक्र दृष्टि खुद अपने आप पर डाली और उसकी आंखों में से ज्वालाएं निकलकर उसके ही ऊपर पड़ी और देखते ही देखते वो खुद पूरी तरह से जलने लगा और कुछ ही समय में वो जलकर भस्म हो गया। शैतान ये देखकर एकदम हैरान रह गया। भूरा ने अपने प्राणों का बलिदान देकर शैतान की योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया था। शैतान ये देखकर भयंकर क्रोधित हुआ और उसके शरीर के अंदर से काले रंग की ज्वालाएं निकलने लगी। सभी गांव वालों को विनीता देवी के मंदिर के अंदर ही मार डालने की योजना पूरी तरह से विफल होने के बाद शैतान का अगला कदम क्या होगा? क्या सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, गौरी और देव शैतान का आयाम तक पहुंच पाएंगे? क्या होगा परिणाम रामप्यारी और किलविश के बीच चल रहे युद्ध का? जानने के लिए सुनते रहिए वीरांगा।